इसराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर धनाधन हमले कर इसराइल को दहला रहा है। चाहे वो इसराइल के बेशकीमती ड्रोन हरमीस 900 को मार गिराना हो या फिर इसराइली मिलिट्री कैंप्स पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट बरसाकर उन्हें तबाह करना हो, हिजबुल्ला हर तरह से इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। और साथ ही हिजबुल्ला के मुखिया नसरल्ला ने भी ईरानी दूतावास हमले का बदला लेने की कसम खाते हुए कहा था कि ये होकर ही रहेगा। और अब इन्हीं हमलों की कड़ी में हिजबुल्ला ने देवोव बैरक्स में ईरानी सेना के मरकावा टैंक को तबाह कर दिया है और हिजबुल्ला ने इस हमले का बाकायदा वीडियो रिकॉर्ड करके जारी भी किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ड्रोन कैमरे के जरिए टैंक को चिन्हित किया जाता है और फिर उसे वहीं उड़ा दिया जाता है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने इसी इलाके में इजरायली सैनिकों के जमावड़े वाली एक जगह पर भी हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में न सिर्फ आईडीएफ का मरकावा टैंक तबाह हो गया बल्कि इजरायली सैनिकों को भी भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने उत्तरी जल अल अलाम सैन्य चौकी में इजरायली सेना पर गोला बारूद दागा है। इसके साथ ही इसराइल के कब्जा वाले शीबा फार्म्स में जिब्दीन बैरक्स में भी हिजबुल्ला ने इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। वहीं अगर दोवेव बैरक्स की बात की जाए तो न्यूज एजेंसी अलमयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षिणी लेबनान से देवोव बैरक्स पर रॉकेट दागा गया था, लेकिन हिजबुल्ला के इन हमलों के बीच अब इजरायली सेना ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल 7 अप्रैल 2024 को आईडीएफ ने अपने बयान में कहा था कि वो उत्तरी बॉर्डर पर संभावित युद्ध के लिए तैयारी में जुट गई है, जहां पर हिजबुल्ला के साथ लगातार 6 महीनों से गोलीबारी हो रही है। इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा था कि नियमित और रिजर्व यूनिटों के कमांडर कुछ ही घंटों में सभी आवश्यक सैनिकों को बुलाने और उन्हें रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों के लिए फ्रंट लाइन पर पहुंचाने के लिए तैयार रहें। आईडीएफ के इस बयान से ये बात साफ हो चुकी है कि अब इसराइल हिजबुल्ला पर कुछ बड़ा करने जा रहा है।